बिल्कुल वही आंखें, कितनी गोल मटोल थी जब पैदा हुई थी सुप्रिया, और अब देखो कितनी बड़ी हो गई है, रवि की कप्पू। 5 साल भी तो बीत गए मुझे और रवि को गुजरे, 5 साल। किसे पता था कि बचपन के दोस्त जाएंगे भी एक साथ। उस दिन रवि और मैं कार में सुप्रिया की बर्थडे पार्टी का सामान लेने जा रहे थे कि अचानक सामने से आते हुए ट्रक की ब्रेक फेल हुई और वो सीधा डिवाइडर तोड़ता हुआ हमारी गाड़ी से अटक गया और सब खत्म। दोस्तों, ये कहानी है मेरी और एक कप चाय की, सिर्फ एक कप चाय, जो रवि ने मुकेश के साथ पी पर मैंने नहीं। और वहीं से रवि और मेरे परिवार के भविष्य में जमीन आसमान का अंतर आ गया। मेरी मौत से मेरी पत्नी नेहा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी इस सदमे से उबर भी ना पाई थी कि वो सड़क पर आ गई। मेरी लापरवाही उसकी सजा बन गई और ऊपर से विराट के मासूम सा। मम्मा, हम लोग ये घर छोड़ के क्यों जाएंगे? क्योंकि हम इससे भी बड़े घर जा रहे हैं ना, इसीलिए। और पापा? हाँ, जाओ अपने गेम्स अच्छे से पैक कर लो। अच्छा। कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। आखिर हुआ क्या है नेहा, तुम यहां से क्यों शिफ्ट कर रही हो? ये तो तुम्हारा अपना घर है, था फिंदा था। तुम तो जानती हो रवि की तरह दिनेश ने भी ये घर लोन पर लिया था, जिसका उधार चुकाने के मेरे पास पैसे नहीं है। लोन तो क्या, घर के हालात ऐसे हैं कि सामान बेच बेच कर उधार चुका रही हूं। पिछले क्रेडिट कार्ड बिल्स, विराट के स्कूल की फीस, महीने के खर्चे, और फिर अब हाथ भी तो सस्ती नहीं। तो तुमने और दिनेश ने कोई सेविंग्स नहीं की थी, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं? कुछ नहीं वृंदा, कुछ भी नहीं। तुम्हें तो पता है दिनेश आज की सोचकर जीने वालों में से थे, कल की उन्हें कोई फिक्र ही नहीं हुई। और घर पर मैंने जो छोटा मोटा बचा लिया वही हमारी सेविंग्स थी। वक्त की लाठी कभी भी किसी के ऊपर भी बरस सकती है, और रवि ये बात अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए शादी के बाद उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस लेने की ठानी। मैंने हंसकर कहा, अभी ही क्यों, बाद में ले लेना। तो कहने लगे, अभी इसलिए ताकि तुम हमेशा ऐसे ही हंसती रहो। मुझे भी जिंदगी को समेटने में वक्त तो लगेगा, मगर कम से कम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। यही कारण था कि रवि दिनेश को बार बार मुकेश के साथ चाय पीने के लिए बुलाते थे, मगर दिनेश कभी नहीं पहुंचा। तो तुम्हारा मतलब है कि रवि की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं।
रवि की मौत के 15 दिनों में ही मुझे पॉलिसी का सारा पैसा मिल गया और यही वजह है कि मैं कुछ दिनों के लिए निश्चिंत हूँ। घर के लोन का पैसा जाता रहेगा, घर का खर्चा भी इसी तरह चलता रहेगा। मैं सुप्रिया के स्कूल की फीस रुकेगी, बाकी उस पैसे से तो मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू कर दी है। कुछ दिनों में एक जॉब ढूंढ लूंगी और ये सब मुकेश की वजह से हुआ। ये मुकेश कौन है? मुकेश एजेंट है। रवि जब लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता कर रहे थे तभी मुकेश से बात हुई थी। मुकेश ने उनसे कहा कि इंश्योरेंस बात में पहले मैं आपके साथ एक कप चाय पीना चाहूंगा, जब तक आपको जानूंगा नहीं तब तक आपको पॉलिसी कैसे सजेस्ट करूंगा। रवि को यह बात बहुत पसंद आई। पहली बार रवि को लगा कि कोई एजेंट उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश कर रहा है, और वाकई मुकेश ने ऐसी पॉलिसी सजेस्ट की जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करती थी। आज भी रवि के जाने के बाद भी मुकेश ने एक सच्चे दोस्त की तरह हमारा साथ नहीं छोड़ा। अब अगर मुझे भी कुछ होता है तो सुप्रिया को भविष्य में पैसों की कमी कभी नहीं आएगी। एक सही इन्वेस्टमेंट से परिवार की कितनी सुरक्षा हो जाती है। काश यही बात दिनेश समझ पाते तो शायद। देखो नेहा, जो खो गया वो कभी वापस नहीं आएगा। अपना स्ट्रगल तो खुद ही करना पड़ेगा ना। जिंदगी के साथ चलो और विराट के बारे में सोचो। अब तुझे उसका भविष्य सुरक्षित करना है। तुम्हारी बात सही है, खुद की स्ट्रगल खुद करनी पड़ेगी। कब तक दूसरों के सहारे जाऊंगी मैं? घर का सब सामान बिक गया है, उससे कर्जा चुकाकर एक छोटे से घर में शिफ्ट कर जाऊंगी और फिर एक नौकरी ढूंढ लेती हूं। पर क्या इस बीच मैं मुकेश को मिल सकती हूं विराट के भविष्य के लिए? हाँ क्यों नहीं, बाकी जब तक तुम्हें घर नहीं मिलता तो मेरे साथ रह सकती हूँ। और कल ही मैं मुकेश को घर पर बुलाती हूँ, बस एक कप चाय की ही तो बात है। दिनेश जी और रवि जी की ये उम्र नहीं थी जाने की, उनकी मौत ने मुझे भी हिलाकर रख दिया। पर सच्चाई यही है, इसी जिंदगी और मौत के सच से रिश्ता रखता है आपके इस एक कप चाय का सवाल। जब मैं उसका एजेंट एडवाइजर बना तो मैंने ये समझा कि हर आदमी की जरूरतें अलग अलग हैं, और इसलिए इंश्योरेंस एडवाइस देने से पहले हम कस्टमर्स को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कस्टमर हम पे विश्वास करके पॉलिसी लेते हैं और हम कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। कस्टमर, एजेंट और इंश्योरेंस कंपनी में तालमेल होना बहुत जरूरी है, और इसलिए रवि जी और उनकी वाइफ की तरह मैं अपने कस्टमर्स का पहले दोस्त हूं और फिर एक इंश्योरेंस एजेंट, क्योंकि एजेंट और कस्टमर से पहले हम सब इंसान हैं, और इसलिए दुख होता है जब कोई घर बेसहारा छूट जाए। यही बात है कि मैं अपने कस्टमर्स के साथ पहले एक कप चाय जरूर पीता हूं, तभी वो खुलकर अपनी जरूरतें मुझे बता पाते हैं और मैं उन्हें सही एडवाइस दे पाता हूं। इस एक कप चाय की वजह से मेरे बहुत दोस्त बने हैं। मेरी एक गलती की वजह से नेहा को जो इतने साल स्ट्रगल करना पड़ा उसे मैं बदल नहीं सकता, पर मुझे खुशी है कि नेहा ने इतनी मुश्किलों के बावजूद वो कर दिखाया जो मैं ना कर सका। मुकेश से मिलने के बाद नेहा ने स्कूल टीचर की नौकरी कर ली, मुकेश की मदद से अपनी आमदनी के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और हमारे बेटे के भविष्य को सुरक्षित कर दिया। मुकेश की तरह आप जैसे कितने ही निजिंट न जाने हर रोज कितने ही परिवारों को लाइफ इंश्योरेंस का सुरक्षा कवच देते हैं। मैं सलाम करता हूं आपकी इस भावना को और आशा करता हूं कि आप किसी को दिनेश नहीं बनने देंगे, क्योंकि हर दिनेश, हर नेहा, हर रवि और हर वृंदा को आप जैसे दोस्तों की जरूरत है, और आपके साथ उस एक कप चाय की।